प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौर पार्वती की जय, गणपति ललनवा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिवगुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक भगवान के भक्त शिष्या बहना थी। वो भगवान के भक्ति पूजा में लीन रहती थी। उसका दो बेटा थे और दो बहू थी। तो एक दिन का बात है कि अपने बेटा और बहू से कहते हैं, बूढ़ी माँ, बेचारी बूढ़ी नहीं थी शिष्या बहना, उनका नाम नीलम था। नीलम कहते हैं कि अरे बेटा, हमारा मायका में मेरा भाभी का जो है बच्चा पैदा लिया है कल, वहां से नाई आया था बताने, मेरा भाभी का संतान नहीं हो रहा था, तो हम चर्चा में गए थे कि हे भगवान, मेरा भाभी का संतान हो जाएगा तो हम चर्चा करवाएंगे। और देखो कल नाई आया और आके बोला कि आपको बुलाए हैं एक आध महीना सेवा करने के लिए, उनको घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। तो देखो बेटा, सात गो हम बहन थे और सबसे बड़ा हम हैं, तो हमको जाना जरूरी है, एक महीना रह जाएंगे बेटा, से ना होगा तो एक दिन शिव चर्चा करवा देना बेटा तुम लोग मिल के। गुरु भाई बहना, बूढ़ी माँ के दो गो बेटा था, दो गो बहू थी। तो छोटी माँ के, छोटी बहू के तरफ बूढ़ी माँ थी, बेचारी सास थी। अरे सास बहन गई तो उसे शिष्या बहन कहें या तो बूढ़ी माँ कहें। तो सास जो थी छोटे बेटे के पास तरफ रह रही थी, और छोटी बहू जो थी बेचारी बिल्कुल बच्चा थी, पूजा पाठ नहीं जानती थी। अपने सास से बोली कि माँ जी, आप तो मायका जा रहे हैं अपना, और आप कहते हैं कि सिर्फ चर्चा करवा देना, तो कैसे करवाएंगे, हमको कोई पता नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको पूजा पाठ नहीं करना आता है, आपको तो पता है, हम कैसे कराएंगे, आप आइएगा तबे होगा। सास बोली कि देखो बेटी, हम मायका जा रहे हैं बहुत दिन के बाद, अब मेरा भाभी का कितना मन्नत के बाद सात गो बहन है, और सातों बहन से वो छोटा है, मेरा जो भौजाई है वो भाई, और उसका बच्चा हुआ है तो बड़ी खुशी की बात है, सातों बहन आएगी, एक दो दिन रहेगी, लेकिन हम तो उसको एक आध महीना होगा तभी आएंगे, चर्चा करा देना बेटा, और बड़की से पूछ लेना कि क्या क्या चीज लगेगा। बेचारी जो शिष्या बहना थी नीलम, वो चली गई कहाँ, अपना मायके। गुरु भाई बहना, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 21 दिन हो गया, कुइयां वहां नीलम गुरु बहना के भाभी जो थी कुइयां पूज दी। यहाँ बहू जोड़ रही थी दिन कि चलो 21 दिन हो गया है तो अब चर्चा करवा देंगे। 25वां दिन ये चर्चा घर में रख दी। सवेरा हुआ, सोमवार का दिन था, पूरे आंगन घर गोबर से लिपी और लीप धो के, और पूरे अगल बगल टोला पड़ोसन सब में बोली कि भाई मेरे घर चर्चा है, मेरे घर सब कोई आ जाइएगा। सब कोई बोले कि ठीक है, आ जाएंगे चर्चा में, लेकिन कनाए आपका सास नहीं है तो सास के पीछे में करवा रहे हैं चर्चा, तो हाँ मेरा जेठानी है वो बता देंगे, माँ जी ऐसा बोल के गए थे।
ठीक है आ जाएंगे। गुरु भाई बहना सब कुछ कर लेने के बाद छोटी वाली जो देवरानी थी वो जेठानी से कहती है कि दीदी जी लिपा धोबी तो सब कुछ कर लिए हैं, भगवान के भोगवा काची लगेगा, वो बताइए ना। तो कहती है कि अरे पगली याद नहीं था तुमको कि पहले से पूछें, जल्दी से छोटका के भेज दो बाजार, अधंधी पोटी मछली ले लवेंगे और उसको भूंज के बढ़िया से एकदम इतना बड़ा बड़ा भूंज दो ऐसे गोल गोल करके, जैसे बाजका बनता है धंधी पोटी के बाजका बना दो बढ़िया से तेल मसाला दे के, और बचका बना के और एगो थाल में सजा के और उसको कपड़ा से झांक देना और झांक के और भगवान के चौकी पर बैठा देना, चौकी के तरे पर आत रख देना। बेचारी छोटकी जो थी पूजा पाठ नहीं है जानती थी, बोली कि दीदी इतना जल्दी तो अरे चर्चा 1 बजे से शुरू होगा और अभी 9 बजे किया है, भूंजा जाएगा जल्दी जल्दी, भूंजना अपने से ठीक है दीदी। गुरु भाई बहना बेचारी क्या की कि अपना पति को बोली कि ए जी से चर्चावा में कतो मछली रहता है जी धांधी पोठी से ले लाइए ना। तो अच्छा ठीक है, पहले कोई फोन के जमाना नहीं था, बुढ़िया के शिष्या बहना के नीलम गुरु बहना के छोटा बेटा बाजार चले गए। सास बोली थी धूमधाम से चर्चा करवाना, बाजार चले गए और जाकर और बड़े प्रेम से 2 केजी मछली ले आए, पति पत्नी दोनों मिलकर उसको बड़े प्रेम से धोए और भूंजे, भूंज के और बना के बजका जैसा और एगो थाल में खूब सुंदर से सजा दिए और सजा के गुरु भाई बहना और ऊपर से भगवान के चौकी पर आसन लगा के और तारे से बेचारी मछली घुसा दी और झांक दी, झांक दी और बाकी इधर थाल में फल फूल जो भी था सब कुछ पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। गुरु भाई बहना सब लोग आए चर्चा में बैठ गए, कनवा में फुसक के कह रही है जाके कि आई है मछलियाँ मंगाई थी। हाँ दीदी मंगवाए न, अरे कस के मत बोलो, पूजा पर कस के बोलल जाता है। हाँ हाँ मंगवाए थे दीदी, भूंज के एकदम बढ़िया से और एकदम बढ़िया से हम भोग लगा दिए हैं, अब बड़की जो गुतिनिया है खुलुर खुलुर हंस रही है कि आज तो कुछ ना कुछ विघ्न पड़वे करेगा, मछलिया के भोगवाई लगाई है भगवान के। गुरु भाई बहना चर्चा हो गया संपन्न, नारियल फूट गया, आरती हो गया, प्रसाद बटने का जब समय आया तो सारे लोग कहने लगे कि भाई प्रसादी बांटो प्रसादी बांटो। तो कुछ लोग बोले कि भाई भोगवा जो लगाया है उसमें काची कब रहा है, देखो भगवान के आसन आया है कि नहीं। तो ये तो बेचारी खुश थी कि हम मछली के भोग लगाए हैं बढ़िया से। गुरु भाई बहना ये परात घींचती है तो उसमें पचमेवा है, काजू किशमिश गाड़ी छुहाड़ा दाक मुनक्का सब भरा हुआ है, बड़े प्रेम से सरियाया हुआ है और उसमें भगवान भोलेनाथ के डमरू सहित तीरछुल सहित जटा सहित पूरा तस्वीर एकदम खूब सुंदर से पादा हुआ है, भगवान का आसन सहित विराजमान है भगवान उस पे प्रात में सजाया हुआ। सारा लोग देखते हैं कहते अरे इनका लीलम गुरु बहना के तो घर में आज चर्चा हुआ तो आज भगवान स्वयं विराजमान हो गए, एकदम एकदम लगता है कि भगवान तो बसाहवे पर सवार होके इसको पर आया है चित्र। देखिए कितना सुंदर से भगवान आसन लिए हैं,
देखिए एकदम हाथ में तिरछुल डमरू लिए हैं, उनका जटा जो है सिर पे एकदम लगता है कि गंगा उछल रहे हैं। कितना बढ़िया से चर्चा हुआ, बड़ी अच्छा से आपकी ये चर्चा गुरु बहना। आप भी ज्ञान ले लीजिए, आप काहे नहीं ज्ञान ले रहे हैं। नीलम गुरु बहना के छोटी बहू से सब लोग कहें, नीलम गुरु बहना के छोटी बहू बोली कि चलिए ये तो भगवान की लीला है, अच्छा है, हम भी आज घोषणा करवा ही लेते हैं, कर दीजिए आप लोग मेरा घोषणा। वो भी घोषणा करवा ली गुरु भाई बहना। मन में छगुन रही है कि मछली हम भोग लगाए थे, अच्छा सब कोई मछली भोग लगाता है, तब ना ये माँ जी भी पचमेवा लेके आते थे और मिश्री बादाम लेकर आते थे, तो इसमें सब कुछ है, मिश्री है, बादाम है, पचमेवा है, लड्डू है, सब कुछ है, अच्छा मछलिया से बन जाता है। गुरु भाई बना सबको प्रसादी बट रहा है, बहुत सारा लोग आए, पूरा गांव टोला मोहल्ला जवार सबको आ गए, सबको आ गए। जब प्रसादी बट रहा है तो नीलम गुरु बहना भी उपस्थित हो गए, नीलम गुरु बहना भी आ गए, सबको कहने लगे कि लो आज ही आपको घर में शिव चर्चा, आपको छोटकी बहू डर से करवा दी कि सास बोल के गए हैं कि घर में शिव चर्चा करवा देना, चलो आज ही आप आ गए। नीलम गुरु बहना बड़ी खुश हो गई कि चलो मेरा छोटी बहू तो मेरा ना रहने पर भी घर में शिव चर्चा करवा दी। गुरु भाई बहना सब को प्रसादी ले लिए और बड़की पुतोहिया जो थी, बड़की पुतोहिया प्रसादी लेने के डर से घरे चल गई अपना घर तरफ। सारी लोग कह रहे कि ए बड़की सब को प्रसादिया लिया और तुम नहीं ले रही हो, आओ ना लो ना प्रसादिया। अरे आते हैं हम तो घर में के आदमी हैं, आते हैं आते हैं। कुछ लोग ठहरे हुए हैं कि भाई बड़की प्रसादी नहीं ली है। बड़की प्रसादी जब लेने आई तो जो छोटकी थी, छोटकी प्रसादी देने लगी, मांग में उसका सिंदूर लगाई, भभूत लगाई और उसके बाद आंचल में प्रसादी लेने लगी गुरु भाई बहना। आचरा में प्रसादी के बदले उसका बिरनी, बीछा, मधुमक्खी, कनगोजर उसका आचरा में भर गया। ऐसी सी प्रसादी पूरा आचरा में भर गया, बिरनी, बीछा, कनगोजर उसका देह में पूरा लोम लिया गुरु भाई बहना। बिरनी जो था पूरा देह में काट लिया, बीछा जो था पूरा बनर बनर सगरो देह पर चढ़ गया, पूरा अकबक हो गई बड़की पुतो। अब सबको कह रहे कि भाई सब लोग हमें वही प्रसादी लिया। बड़की कहती है कि बाप रे ये चर्चा करवाई हमको जान लेने को लिए, इतना घर हम चर्चा में घूमे लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ, आज ही हमको जान मार देगी। बाप रे बाप मेरा तो आज प्राण जा रहा है, बिरनी काट लिया, बिच्छा काट लिया, कनगोजर काट लिया, अब पूरा भीड़ लग गया गुरु भाई बहना। छोटकी जो है कहती है कि नहीं दीदी यही प्रसादी तो सबके बटा है, यही प्रसादिया हम आपको दिए हैं। नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं किए हैं हम, कोई गलत नहीं किए हैं दीदी, जो सबके प्रसादी दिए हैं वही आपको दिए हैं दीदी। अब बुढ़िया जो थी कहती है भगवान मेरा घर में चर्चा हुआ, आज क्या अपमान कर दिए हैं, नहीं थे तो मेरा बड़की पुतो के कुछ मत दीजिए दोस्त, हे भगवान हम फिर चर्चा करवाएंगे लेकिन मेरा बड़की बहू का दुख हरण कर लीजिए। तो गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ उधर से आते हैं एक साधु बन के, और हर हर महादेव हर हर महादेव करते प्रवेश कर गए। का हुआ हर हर महादेव हर हर महादेव। बूढ़ी माँ कहती है कि बाबा देखिए ना आज तो मेरा घर में लीला लग गया है, गजब हो गया बाबा, चर्चा करवाई मेरा छोटी बहू, पता ना क्या भूल चुक हुआ और दंड मिल गया मेरा बड़की बहू को, पूरा गांव आंगन भर गए गुरु भाई बहना, सब लोग हाय हाय कर रहे, हाय रे बुढ़िया के छोटकी पुतोहिया कैसी है नीलम गुरु बहना के,
प्रसादी दी अपना गोतिनिया को और पूरा बीछा सांप कनगोजर कोची कोची हो गया, इनको पूरा दहिया में काट लिया, लहर मार रहा है, बेचारी बेहोश पड़ गई है। गुरु भाई बना जब होश आवे तो छटर पटर करने लगी लग रही थी, और जब बेहोश हो जाती थी तो शांत हो जाती थी। सारी लोग माथा ठोक रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि छोटा की पुतोया तो हर धारा में हो, ओहु कुछ नहीं जान। छोटा की पुतोया तो हर धारा में हो, सिसिया कुछ नहीं जान। गाइया के गोबर से आंगन निपले, फूलावा से आसन लगा बले हो, सिसिया कुछ नहीं जाने। फूलावा के आसन लगा बले हो, सिसिया कुछ नहीं जाने। सो चंदन के काटी के चौकी बना बले, ओ करो पर शिवा के बैठा बले हो, शिष्या कुछ नहीं जान। बड़ा की पुतोहिया चला बाजिया हो, ओहू माछली मांगा बले। बड़ा की पुतोहिया चला बाजिया हो, ओहू माछली मांगा बले। माछली के धोई भूंजी भोगावा लगा बले, माछली के धोई भूंजी भोगावा लगा बले। एही से काटले कबीरानी बिछू कावा हो, छोटकी कुछ नहीं जाने। एही से काटले बीरानिया हो, छोटकी कुछ नहीं जान। भगवान बोले ना स्वय करे कि ए सब कोई चुप रहो, छोटकी पुतैया का कुछ जानती है? बेचारी तो सुबह उठ के काम करने में परेशान थी, कितना बढ़िया से घर आंगन लिपी, भगवान के आसन लगाई है, ये कुछ नहीं जानती है। बड़की पुतैया से पूछने गई, दीदी काची भोग लगाए क्या करें? तब बड़की कहती है कि जल्दी से 2 किलो धंधी पोटी मछली मंगा लो। और मछली मंगवाई बेचारी, और नहाईला धोला के बाद ही मछली भूंजी, और मछली भूंज के और भगवान के भोग में आसन भोग लगा दी और कपड़ा से झांक दी। तो भगवान के महिमा था, भगवान के कृपा था कि उसमें पचमेवा बन गया, लड्डू बन गया, पेड़ा बन गया, मिश्री बादाम बन गया, और सब लोग के हाथ में प्रसादी मिला। और इसको करनी है, इसी को न मिलता, किसको मिलता? छोटकी पुतैया से सब कोई पूछने लगे गुरु भाई बहना कि हाँ गुरु बहन, मछली भूंज के भोग लगाए थे? छोटकी कहती है कि हाँ गुरु बहन, हम नहीं जानते थे। तो हम बड़की से पूछे कि दीदी आप चर्चावा में जाते हैं तो कच्ची भोग लगता है, दीदी हमको बता दीजिए। माँ बोले थे कि बड़की से पूछ लेना, तब बड़की से हम पूछे गए, तब बड़की दीदी बोले कि देखो 4 गो में 4 किस्म रहेगा, और 1 गो में मछली 2 किलो भूंज के और झांक देना, और झांक के और भोगवा लगा देना, ता वही सबके बांटेगा। ता जब हम भोग लगाए, आरती हो गया, नारियल फूट गया, पंडार पर गया, तो सबके बांटने लगे, तो वही तो बादाम मिश्री पचमेवा था। सब कोई कहने लगे कि ये बाबा जे हुआ से भोग ली बाबा, इसको जान बचा दीजिए बाबा, आप कौन है? बाबा कहते हैं कि हम एक सफेरा हैं, अब कहीं सांप बिच्छा किसी को काटता है तो हम चल जाते हैं, इसलिए हम जान को बचा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा गलती कोई मत करना, किसी को से घोर अपमान मत करना, उसको सजा नहीं मिलता है, जो सजा करवाता है वैसा उसको सजा मिलता है। गुरु भाई बहना बाबा जो थे, कलसा में पानी था, कलसा वाला पानी लेके उसका शरीर पर छिड़क दिए। जब छिड़क दिए तो नीलम गुरु बहना के बड़की पुतो उठ के बैठ गई, और बैठ के कहती कि हाय रे,
हाय रे ई कुल अछनाई चर्चा करवाई हमको जान ले ली, हमको दुगो बाल बच्चा कुहाक जाता। सारे लोग कहने लगे कि ई कुलक्षणी थी कि आप कुलक्षणी थे। अरे वो तो सुलक्षणी है, आप कुलक्षणी है, उसको कृपा से, उसको तो भगवान के भक्ति से प्रसन्न हो गए, उसको भक्ति से भगवान तो आप मछली भोग लगवा दिए, वो भी बन गया काजू किशमिश गड़ी छोहाड़ा मिश्री बेदाम, और आपको वही परिणाम मिला कि मछलिया के बदली बिरनी कनगोजर बिच्छा मधुमक्खी सब मिला। अब तो बड़की पुतोहिया अपना मूड़ी झुका के टसर टसर रोती है और कहती है कि हमको सब गुरु भाई बहना माफ कर दीजिए, हम सोचे थे कि इसका आज सबके बीच में इज्जत उतर जाएगा, सबको इसको अपमान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भगवान तो उल्टा ही कर दिए। सचमुच में भगवान भोले नादानी जो हैं सब पे विराजमान रहते हैं, सब पे दया बरसाते हैं। हम सोचते थे कि नहीं चर्चा में जाती है, नहीं पूजा करती है, नहीं भगवान के नाम लेती है, तो इसको पर भगवान कैसे दया करेंगे। हम तो चर्चा में भी जाते हैं, भगवान के नामों लेते हैं, भगवान के भजनों जाप करते हैं। गुरु भाई बहना सारी लोग कहने लगे कि भगवान का सिरजा हुआ ये तन है सबका, तो भगवान तो अपना शिष को अपना बालक को रक्षा करवे करेंगे, आप जैसा किए वैसा पाए। गुरु भाई बहना सब कोई मिल के उसको बड़ी दूर दूर आए, बाबा जो थे अपना रूप दिखा दिए कि देखो हम कौन हैं, हम नहीं कोई सफेरा है, नहीं कोई जोगी है, और नहीं कोई साधु है, नहीं कोई संत है, देखो हम भगवान स्वयं महादेव हैं। गुरु भाई बहना सब देखकर भगवान को चकित हो गए और कहने लगे कि भगवान इसी तरह सब पे अपना कृपा बरसाइए, सब शिष्या के ऊपर सहारा हो जाइए, किसी को संकट में ना रहने दीजिए प्रभु। हे महादेव, जैसे एक बेचारी इंसान छोटी बहू पे आप कृपा बरसाए, अपने दया बरसाए, उसका लाज को बचाए भगवान, उसी तरह अपना कृपा अपना दया सब पे बरसाइए, सबको लाज बचाइए और सबको एक दिन दर्शन दीजिए प्रभु। हे भोलेनाथ आप दर्शन दीजिए। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।